रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। एक शुक्राना है उस ऊपर वाले को कि उसने लिखने का हुनर दिया है। एक मिसरा लिखा था कि हाथों में मेरे देकर कलम ये नेमत अदा की है, हाथों में मेरे देकर कलम ये नेमत अता की है, मेरे रब ने मुझे कागज बनाने की अदा दी है। एक छोटा सा पेड़ देखा जो बहुत सारे हरे भरे बड़े बड़े पेड़ों के बीच में था, बिल्कुल सूखा लेकिन तन के खड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि मानो इतनी सारी मुसीबतों के बीच में खुद के पास कुछ ना होकर भी गुरूर के साथ खड़ा हो। उसे देखकर कुछ लाइनें लिखी थी, वो साझा करना चाहती हूँ कि कोई वक्त तकता कोई पहर देखता है, कोई वक्त तकता कोई पहर देखता है, मेरा दिल वो सूखा शजर देखता है। है शुक्राना उन बेजुबां पंछियों को, है शुक्राना उन बेजुबां पंछियों को, सूखी डालों का भी रहा ख्याल जिनको, बाकी ये जमाना है मशगूल खुद में, कोई इधर देखता है कोई उधर देखता है, मेरा दिल वो सूखा शजर देखता है। तकते हैं उसकी जानब कई लोग यूं तो, तकते हैं उसकी जानब कई लोग यूं तो, कहा क्या किसी ने खड़ा संग हूं तो, छू रहे थे गगन को भरे पूरे साथी, छू रहे थे गगन को भरे पूरे साथी, नजर आई किसी को क्या उसकी उदासी, वो कमजोर जिंदगी की मानिंद लगे हैं, वो कमजोर जिंदगी की मानिंद लगे हैं, हर एक गुजरता हशर देखता है, मेरा दिल वो सूखा शजर देखता है। लाइन चंद मिसरे हैं, उन्हें कहकर अपनी जगह लूंगी और उम्मीद करती हूँ आपकी तालियां अगली बार इस स्टेज पर चढ़ने की हिम्मत देंगी मुझे। के अबस हो या आदिल, हर एक के सवालों का जवाब रखती हूँ, अबस हो या आदिल, हर एक के सवालों का जवाब रखती हूँ, चेहरे पर नहीं पर निगाहों में अदब का हिजाब रखती हूँ। नूरे सादगी तो महताब है इस चेहरे की मगर, नूरे सादगी तो महताब है इस चेहरे की मगर, रोश में एक धधकता आफताब रखती हूँ। दफन थे कुछ ख्यालात जो मुद्दतों से इस जहन में, दफन थे कुछ ख्यालात जो मुद्दतों से इस जहन में, अब खुल के महफिल में दिले बेताब रखती हूँ। मेरी आदत में शुमार नहीं है औरों की खताओं को गिनना, मेरी आदत में शुमार नहीं है औरों की खताओं को गिनना, अपनी खामियां मिटाने में खुद को मसरूफ पे हिसाब रखती हूँ। और आखिरी मिसरा है कि कुछ इसलिए भी नहीं बनती इस बेगैरत जमाने से मेरी, कुछ इसलिए भी नहीं बनती इस बेगैरत जमाने से मेरी, ये पढ़ना चाहती नहीं है और मैं खुद में किताब रखती हूँ। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें नोजोटो का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।